पहली ट्रेन कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस, दूसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट और तीसरी मालगाड़ी। ओडिशा के बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम 7 बजे के आसपास एक हादसा हुआ। ट्रेन डिरेल हुई, मालगाड़ी से टकराई और फिर दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन पहली ट्रेन के डिब्बों से टकरा गई और भीषण त्रासदी हो गई। आसान शब्दों में रेल हादसे को लेकर ये बातें बताई जा रही हैं। चार रेलवे ट्रैक पर इन दो ट्रेनों और तीसरी मालगाड़ी का कबाड़ बन चुका है। रेल के कई डिब्बे खत्म हो चुके हैं, जो बचे हैं वो पटरी से नीचे हैं। बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से इन्हें हटाने का काम जारी है। ट्रेन ट्रैक्स को इक्वलाइज करने के लिए, यानी कि जमीन को बराबर करने के लिए बुलडोजर्स लाए जा रहे हैं। एक नहीं, कई सारे बुलडोजर को लाया गया है। एक इस तरफ है और उधर जेसीबी मशीन्स को लगाया गया है। ये पूरा इलाका जो अलग अलग गड्ढों से भर गया है, जहां पर कहीं नीचे गड्ढा है, कहीं ट्रेन की वजह से हो गया है, कहीं ट्रैक्स उड़ गए हैं, पूरी जमीन को समतल करना बड़ा जरूरी होगा। और समतल करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय बुलडोजर के। जब जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, कलेजा बैठने लगता है। शायद ही कोई ऐसा हादसा हुआ होगा जिसमें एक दो नहीं बल्कि तीन ट्रेनें शामिल रही हों। अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर ये त्रासदी हुई कैसे, किसकी गलती थी, लूप होल कहाँ रह गया। इसे लेकर शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार तक कई तरह की थ्योरी फ्लोट हुई। पहले कहा गया कि सिर्फ दो ट्रेनों की टक्कर हुई, फिर बताया गया कि तीन ट्रेन इन्वॉल्व थी। बाद में ये पता चला कि दो ट्रेन और एक मालगाड़ी थी, लेकिन असली वजह क्या थी, हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आई। हालांकि जब एबीपी न्यूज ने रेलवे अधिकारियों से बात की तो एक मैप सामने आया। इसी मैप को लेकर कहा गया कि रेल हादसे की पूरी डिटेल इस मैप में मौजूद है, लेकिन चूंकि ये टेक्निकल भाषा है इसलिए हमारे संवाददाता रविकांत ने कागज पर लिखे एक एक एलिमेंट को आसान शब्दों में समझाया, बताया कि आखिर ये इतना भीषण हादसा कैसे हुआ। तीन इसमें लाइन दिख रही है, एक लाइन, दो लाइन और ये कॉमन लूप। ये जो डाउन मेन लाइन है, अप मेन लाइन है, कॉमन लूप है। सबसे पहले ये जो बीच वाली है, इसमें इस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की ओर जा रही थी और डाउन लाइन पर एक दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस, और यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। अब जब ये ट्रेन यहाँ से आई तो एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो जानने की बात है कि यहाँ पर एक स्टार दिख रहा है। इस स्टार का मतलब है कि यहाँ पर सिग्नल था, ये सिग्नल दिया गया था। जब ये ट्रेन इधर से आई तो चूंकि सिग्नल दिया हुआ था तो ये अपनी फुल स्पीड से आ रही थी, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहां पर एक कैची होती है, जहां पर ये तीर का निशान आप देख रहे हैं, एक तीर का निशान के साथ एक लकीर है जो इस लाइन से इस लाइन को जोड़ती है। ये कैची बंद होनी चाहिए थी क्योंकि सिग्नल दिया हुआ है, ये ट्रेन सीधी निकल जाती अगर ये कैची बंद होती। चूंकि सिग्नल तो दे दिया गया लेकिन कैची खुली रह गई और ये कैची इस लूप लाइन की ओर इशारा कर रही थी, यानी इधर की ओर रेलवे लाइन को ले जा रही थी। ऑटोमेटिकली ये सिग्नल देख करके ये फुल स्पीड पर ट्रेन आई, लेकिन कैची इधर की ओर होने की वजह से ट्रेन इस लूप लाइन में चली गई। लूप लाइन में जब गई तो यहां पर एक पहले से गाड़ी खड़ी थी, मालगाड़ी, और वो 125 किलोमीटर की रफ्तार से जाकर के मालगाड़ी टकरा गई। यानी अपलाइन पर हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल होकर टकराई और इसकी बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गई। ये ट्रेन आ रही है हावड़ा की ओर जा रही है, कैंची यहां पर है, कैंची खुली है। इस टर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैंची का मतलब है ये इस लूप लाइन में ले जाने के लिए जो पटरी है वो जुड़ी हुई है और जो भी ट्रेन उधर से आएगी वो सीधे ना जा करके लूप लाइन में चली जाएगी। तो यहां पर कहीं सिग्नल था, सिग्नल दिया हुआ था, ये ट्रेन आगे आई। अब इसके आगे का जो एनिमेशन है वो हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद क्या हुआ। ये गाड़ी आई और इस लूप लाइन में आ गई। अब इस लूप लाइन में आने के बाद जाहिर सी बात है यहां पर ये ट्रेन खड़ी हुई है तो हादसा होगा, ये मालगाड़ी से जाकर के टकराई है। अगला जो एनिमेशन का पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये टकरा रही है। ये जब टकराई है तो इस मालगाड़ी से टकराते हुए इसके सारे जो कोचेस हैं वो डिरेल हो गए और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे के जो तीन डिब्बे हैं वो उस तरफ पलट गए या उछल गए होंगे। तो ये जब उछले हैं तो आप देख रहे हैं कि जिस समय, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये उछल रहे हैं
उसी समय वो गाड़ी पास हो रही है और लगभग पूरी गाड़ी पास हो चुकी है, सिर्फ दो आखिरी के जो डिब्बे हैं उनसे ये तीन डिब्बे जाकर के टकराए। और हम आपको बता दें कि हादसा क्यों इतना गंभीर हुआ, ये जो दो डिब्बे हैं पास होती हुई ट्रेन के उसमें वो जनरल कोचेस थे, उसमें ठसा ठस लोग भरे थे। जो हावड़ा की ओर कोरोमंडल जा रही थी उसके जो पिछले तीन डिब्बे थे वो भी जनरल थे, उसमें भी ठसा ठस लोग भरे थे। तो ये जो पांच डिब्बे हैं ये बुरी तरीके से टकराए हैं जिसमें जो सवार लोग थे ज्यादातर की मृत्यु हुई है। अब इस तीसरे ट्रैक पर हावड़ा सुपरफास्ट यानी बेंगलोर वाली दुरंतो आ रही थी, मगर चूंकि पहले से ही उसके ट्रैक पर कोरोमंडल की बोगियां थी इसलिए वो भी हादसे की चपेट में आ गई।